आजादी के 75 वर्षों के बाद यह पहला मौका है जब एक धर्म निरपेक्ष अपने आप को कहने वाली बिहार सरकार ने हिंदी स्कूलों के लिए अलग छुट्टी का कैलेंडर और उर्दू स्कूलों के लिए अलग छुट्टी का कैलेंडर घोषित किया है। आज तक तो दो अलग अलग कैलेंडर नहीं होते थे, इसी बार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या हिंदी स्कूलों के अंदर मुस्लिम छात्र नहीं पढ़ते हैं, और या उर्दू स्कूलों के अंदर क्या हिंदू छात्र नहीं पढ़ते हैं? और उसके बाद भी अगर आप देखें तो मेरे पास 2022 का भी कैलेंडर मेरे पास है, यानी 2023 में जो छुट्टियां घोषित की गई है, और 2024 का भी सामान्य स्कूलों का कैलेंडर है। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि होली की 4 दिन की छुट्टी को घटाकर 2 दिन क्यों कर दिया गया, दुर्गा पूजा की 6 दिनों की छुट्टी को घटाकर 3 दिन, और दीपावली छठ की 9 दिन की जो छुट्टी थी उसको घटाकर 5 दिन कर दिया गया, तीज की छुट्टी समाप्त हो गई, अनंत चतुर्दशी, ज्योतिया, रक्षाबंधन, अंतिम श्रावणी, गांधी जयंती, इन तमाम छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया। और वही दूसरी ओर उर्दू स्कूलों के अंदर ईद की 1 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर 3 दिन, बकरीद की 2 दिन की छुट्टी को 3 दिन, और मुहर्रम की 1 दिन की छुट्टी को 2 दिन कर दिया गया। क्या उर्दू स्कूलों के लिए छुट्टी का कैलेंडर अलग होगा? क्यों बिहार के अंदर उर्दू स्कूल शुक्रवार को बंद रहेंगे और बाकी स्कूल रविवार को बंद रहेंगे? क्या सभी स्कूल रविवार को बंद नहीं रह सकते हैं? ये जो अलगाव है, इसी अलगाव ने इस देश के अंदर विभाजन का बीजारोपण किया था। और इतना ही नहीं, तो अब ये भी आदेश निकाला शिक्षा विभाग ने कि कोई शिक्षक अगर कोई संघ बनाएगा, संगठन बनाएगा, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या यही आपका लोकतंत्र है?